You are watching Poonch Live. मेरा नाम इकबाल ख्वाजा है। हम इस वक्त पुंछ शहर से ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह जी की समाधि से लेकर पुंछ सलोती जो हमारी लास्ट पोस्ट है इंडियन आर्मी की, वहां तक एक तिरंगा रैली इंडियन आर्मी के सहयोग से यहां पर निकाली है। मैं देशवासियों को ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि इस बार हमने अपनी इंडियन आर्मी की लास्ट पोस्ट पर तिरंगा रैली समाप्त की है। अगली बार न सही, उसके अगली बार हम पीओके में मुजफ्फराबाद के अंदर तिरंगा रैली समाप्त करेंगे और उसके बाद लाहौर के अंदर अपनी तिरंगा रैली इंडियन आर्मी के सहयोग के साथ हम वहां पर हम अपना तिरंगा झंडा बुलंद करेंगे। जय हिंद, शुक्रिया। मेरा नाम अमन डाबर है, मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष हूँ। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से जो है एक तिरंगा यात्रा जो है निकाली गई। यह तिरंगा यात्रा आप देख रहे हैं कि पिछले एक वर्ष से जो है भारत जो है आजादी का 75वां अमृत महोत्सव बना रहा है, उसी के उपलक्ष्य में जो है भारत के विभिन्न विभिन्न अंगों में जो है हर तरीके के कार्यक्रम हो रहे हैं। और अब जो है जब वो समाप्ति पे है तो हमने जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछली एक तारीख से लेकर हर घर तिरंगा अभियान जो है वो चलाया है। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर जो है हमने जो आज ये तिरंगा यात्रा निकाली है। तिरंगा यात्रा निकालने का मकसद ही यही है कि हमारा जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो पाकिस्तान भारत का विभिन्न अंग है वो जो है आज भी जो है उस पाकिस्तान के खतरे में है। हम पाकिस्तान को जो चेतावनी देने के लिए आज पाकिस्तान की से 500 मीटर दूर जो हमारी पोस्ट है उसके ऊपर जो है आज खड़े होकर यहाँ उसको चेतावनी देने आए हैं कि अगली बार जो हमने तिरंगा यात्रा निकालनी है वो ये गेट खोल के पार जाना है और वहां पे जाके जो है तिरंगा लहराना है। उसी के उपलक्ष्य में जो है आज यहाँ तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। मेरा नाम सुनील कुमार गुप्ता, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी।
आज जो हमने तिरंगा यात्रा यहाँ पर निकाली है उसका मेन उद्देश्य था जो प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि हर घर के अंदर तिरंगा लगना चाहिए। और मैं समझता हूँ हमने यात्रा पुंछ से शुरू करके भिन्न विभिन्न पंचायतों और गांव से होते हुए हम यहाँ लास्ट वार्ड सुरुत्री पर पहुंचे। लोगों ने अपार जन समर्थन हमें दिया और प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने एक मौका दिया कि हमें हर घर के ऊपर तिरंगा चढ़ाने का मौका मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा अच्छा आह्वान प्रधानमंत्री जी ने दिया, लोगों ने इसको हाथों हाथ लिया और हर घर में तिरंगा लगना शुरू हो गया। आज लास्ट बॉर्डर पर आने का हमारा एक ही संकल्प है कि जो POJK है वो भारत का अटूट अंग है और अगला तिरंगा POJK के अंदर चढ़ाएंगे। इसमें हमारी महिलाएं, हमारे भाई, नौजवान, बुजुर्ग सभी ने शामिल हुए। मैं सबका इस गर्मी के अंदर शामिल हुए, सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ।